ये कह रहा हूँ यार कहाँ जामिन किराई जामिन झर गई मोटी आई मोटी मोटी मैं आगे दे दूँ मुँह में मार रो मैं पिछवाड़े पे मार देते तो तुम लग गए और कहा ऊपर ओ मैं चश्मा लगा रखे अब ऊपर करके जब जा रहा हूँ ऊपर झार मार जामिन आंदे झार रुक जा झार जल्दी जल्दी झार जल्दी ओए ओ भैया मर गया ला आगे पकड़ 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 रो ना देखो आ गई अरे देख बड़ी जामिन आ रही है विश्वास कर देख देखियो जंगल कैसा सुनसान है जंगल तो कहा तू है छोरी ना दिख रही तो है हाँ दिख रही है ये छोरी की कह रहा हूँ मैं यहाँ का कर रहे और जंगल को का करेगा सुनसान को कह रहा हूँ कोई ना है तो फिर आए चल छेड़ेंगे छेड़ा को पटाएंगे हाँ पटाएंगे जो कह रहा हूँ पर सुन जैसे लत्ता ने ना पहरे ना पाने थे ऐसे ही छोरी पहरे करे ना पाने थे कि मेरे ना पाने की सी लग रही है मजदूर थे मेरे की सी लग रही है चल हुई ना आपकी देख लीजो तेरे की होगी तो तेरी और मेरे की होगी तो मेरी जय प्रसन्न करेगी वाकी अच्छा चल और जो पटा लिया ठीक है आजा आजा मैडम अरे काले कुर्ता वाली मैडम तुम्हारा नाम चुप ये क्या बदतमीजी है और कौन हो आप लोग जो कह रहा हूँ जी हम अरे अरे दाम और झूठा राम है जी कुछ भी तो मैं क्या करूँ चाहे आप झूठा राम हो चाहे दाम हो जो कह रहा हूँ बता दो वही बात है मैं अरे 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 तुम्हारी कसम में तुम्हें पसंद करूँ क्या मतलब तुम पर मरूँ मैं अच्छा मरते हो मुझ पर हाँ जी फिर तो आप भी मुझ पर मरते होंगे गिना मरा बताइए अच्छा दोनों ही मरते हो मुझ हाँ पर जी, हाँ जी। अभी कुछ टाइम पहले गांव में बाढ़ आई थी तो उसी में डूब मरते और पास में जमुना जी उसमें डूब मरो नहीं 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 वो जमुना मरेंगे जी हम कारों को हुआ खा के उतरे हैं हम ऐसे ना मरेंगे हम नहीं हम तो जी तुम पे मरे बिल्कुल देखिए सही से बात करो ठीक है और ज्यादा मरने का शौक आ रहा ना तो जमुना जी में डूब के मर जाओ जूठा राम मर जा रास्ता छोड़ो हटो देखो हमें ना तुम ते बहुत प्यार तुम जब दिख जाती बाढ़ आ रही कहीं जब जब हम मर सके पर अब ना मरेंगे तो जमुना जी है ना पास में अब डूब जाओ तुम हो ना तुम्हारे संग चल रहे तुम चलो वही नहाएंगे तैर तैर के दाई ओके ले चले मैडम जी चुप मैं चुपू चुप बात कर लेता हूँ अब तुम जा कहाँ रही है जी क्यों आपको इससे क्या मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं तो मतलब हम थोड़ा सा राख लेंगे तुमसे क्या मतलब राख लेंगे कह रहा हूँ देखो ये हम गुस्सा की बात ना आप प्यार की बात कर लो जो जो हम तुमसे दोनों जने प्यार करें अच्छा हाँ। अब तुम फैसलो करो के कौन से थे तुम्हारो साइज सही बैठे को ओके तो मैं अब ये डिसीजन आप दोनों पे ही छोड़ती हूँ आप दोनों डिसीजन लो क्या करना है ओके जो मेरा मन जीतेगा मैं उसी से उसी के साथ जाऊंगी ठीक अच्छा, है अब मेरा रास्ता छोड़ो मुझे जीतना पड़ेगा पहले जी हाँ मेरा मन जीतना पड़ेगा और दिल जीतना पड़ेगा ऑब्वियसली मन जीत लिया तो दिल तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा हो लेकिन जाएगा? अब ये डिसाइड करें मेरे को जाने दें ठीक है बाय बाय तू क्या कर रहा है तू काय को कर रहा है अच्छा मैं तुझे सोच रहा हूँ मैं पटाऊ मैं दिल जीतूंगा तू तो जाता मैं जीतूंगा बेटा मैं जीतूंगा ठीक है माला सर माला सर ना तो काट दूंगा चश्मा ने तू रहेगा आई ब्लू है जाएगा बकवास करो जाएगा तेरे होएगा मेरे का होएगा सुन शर्त लग गई ठीक है लग गई ठीक है दस दस रुपया की है दस की लो अभी तो अपना पट रही सुन सुन दिवाली के मेला पे दे दीजो बेटा 500 की बदले 500 की ठीक है लगा सर परदेसी मेरो दिल ले गई अरे ये ससुर के ने मार दियो हो तो अरे मर कहा कौन ले गई दिले अरे दिले ले गई दिले तो मेरे ले गई तेरे ले गई तू अपने ससुर कहाँ थे आ दिले चुप तेरे ले गए तो ले जान दे बढ़िया रही मिला के देता हूँ तू बनिया के थे बनिया के थे आप आगो और गुण, गुण, गुण। अरे तो नार्मी लटके कहा है हाँ गले तक आप है कहा है वही तो हुए और कहा हुए अरे गुना और कहा हुए दिल लगा मैं देख मेरे दिल पे कैसी धक्का धक्का कर के मारूं ही तो बहन जो ऐसे चलो आई सर को जो इंजन हाँ तो कहा पता मैं मरेगा
मेरी को मरियो तो रात जिंदो यो मर जातो तो मेरो रात मुई जानो पड़ देती ढोरे। अरे को झूठा राम ना है। हां वान का कहती गुड चुनाव जीत जाएगा। चुनाव? हां चुनाव लड़ रहो। अरे तो कितना समझा लो जब तो कोई रियल तुम चुनाव लड़ रहो। का करूं अब बता। अरे मेरा ब्याह तो हो जाएगा। ब्याह? हां अच्छा ब्याह बाद सूदो भिट में दोस्तों पिट दो चुनाव जीत जाएगो फलानो दी जाएगो भिट में तो दस रहा हूं। ब्याह कर नो तेरो यूं करो वाप कहां है सुसर पे हमारा दंग हैं हमें दुनिया पूछ रही है हैं देख हम पे खेत हम पे घर हम पे कितनो घर बने पड़े हुए हैं। सही कह रहो के को 14 कमरा बने पड़े हैं। हां और नयो बननो है। नयो कहां बननो है? गुना बननो पीछे ना। अच्छा हरे वार ओ तो घेर है। हां अच्छा वा की सुनदा के करो कैसों कैसों करके वा जुगाड़ बैठा हूं चुनाव है जितवा दे। हां हां अरे तू कोड़वा रो काय बता रे मैं बड़ा बूढ़ा आदमी सूदी के कर मोते तो दुनिया न्यो कहेगी चुप चुप कर लेंगे काय। अच्छा चुनाव के कर तू। अरे तू घबरा काय कर रहा हो मैं चले जाऊंगा टेंशन मत कर। अरे जल्दी चले जा कब जाएगा ऊपर 10 फीट को चले जाओ जल्दी चले जाओ गए हो तू उठ जा उठ जा। हां मैं ससुर के कोई मैं भैंस फेंसू उठ जा आग लग रही तुम जल्दी चले जाओ मोटर आसो पेटी चोर बड़ो निकम्मो है। केस कहिए वा छोरी ने जो बता मो पहले वा छोरी ने जो कहिए जिन सो मेरे दिल जीत ले गो वा एक संग बात कर लो वा छोरी ने ई बात कही है। हां वाला अरे तो ई तो मैं या उंगलियां को खेलते या को सपनो तेरा पूरा तो है जागो मर रो है जल्दी उठे या काम है मुंह पे छोड़ दे तू दिल है तो मैं आप जीत के जानू तो उठ तो जा फिर। अरे तू ना ने को रोटी पानी खा जा तो मैं जो करो रोटी अरे मैं सुसर के पानी पत्तो ना ले कलियो तो कर जाऊं भैया। अरे कलियो ना अरे मैं सुसर के गो पहुंच गया मत पे जल्दी जा भगे भगे आज आज ये धामों के काम है झूठा राम बिल्कुल तमाम कर दे जुगाड़ कर रो लगा देंगे। अरे कहां जा रही है? और ठरकी बुलबत्ती धनी तौ बाबा कहूँ ना जा रही बताओ तुम्हें कहा काम है। अरे तेरा बाबा लगूंगा मैं तेरा तक खसम सो लग रहा हूँ मैं। अरे ठरकी बुढ़े गुंडा राज बाबा ऐसे कहा देख रहे जो सामान तुम पे गुई मुँह पे ऐसे मत देखो बाबा मुझे डर लगता है बाबा। अरे जो बता वो सामान तो पे कैसे जो मुँह पे अटका है बाबा गीता तुम्हें पता पड़ जाएगी कि तुम लेके घुस जाते तो अरे तू जो बता पहले तू बड़ी बूढ़ी ठहरी नई साड़ी नई नवाजन की इसी पैर रखी है तेने बाबा अपने काम में बनावे को सब काम करने पर देख ले बिहार के चूहे दे गुंडा ते धनी ते फाड़ दूं। हां बाबा गुनगुन गुनगुन कर रही है तू यूं कह रहा हूं बाबा ज्यादा आशिक मत बने कम भक्त ब्रो लगा फिर एक देर पीछे। अरे न्यो बता तू कॉल कर फॉलो इट ना करे बदबू मार रही थी हमें ते बाबा अब सही है चले जाओ तो तुम जाओ बदबू मार रही है तो सुन भाई फूलबत्ती तो भाई बंद नहीं है देख कैसे घोड़ी कदम की चाल चल रही है घोड़ी की तरह चल रही है छोड़ के और भाड़े देख कैसे मटका मच जा रही है नई नवेली इनकी ऐसे ऐसी कर रखी है तो है बुड्ढो फिसले ना तो और का हुए फिर गांव के न्योके हैं के काना में भाई आकी नियत ना खाए ई ना सही होएगो बिल्कुल और अदबद की मेरी एगा रहे और हमें सारे की। हाँ मैं जायजन कुन से काम रहो भुलवा और दियो आने मैं तो भूल गो लगूं जन काय को भेजोवा छोरा ने मैं सुसन ने हाँ वहाँ ने वाक ले भेजोवा छोरी के। अरे इन बातन में पीछे छोड़ पहले वहाँ काम है दे मैं सुसर को वहाँ को काम तो करना ही पड़ेगा मुँह दामो को तो। हेलो बेटा राम 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 बेटा न्यू कह रही हूँ मैं बताइए मैं सुना है बहुत वैसी जनानी हूँ कोई मिले ना जवान जवान छे छापरी जी मैं जमानो खराब है वह ये कई सलाह दूँ बेटा क्या कि तू जवान जवान है रही है तू जाने उम्र है तो ब्याह कर लेना चाहिए वैसे तो। हाँ हमारी वैसे मैं सोच तो रही हूँ सोच रही है जी न्यू कह रहा हूँ बेटा जी बताइए कोई छोरा फोरा देखे हुआ कर ना तेने अभी तो नहीं देखा बट सोच रही हूँ कि जो कह रहा हूँ बताइए दो रड़ुआ देखे होंगे तेने आई काई रास्ता में कल। हाँ आई थिंक नाम दामो एंड झूठा राम था। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रही हो तुम
जो कह रहा हूँ जी बताइए, उनमें वो इतना दामो हाँ हाँ वो तो बहुत पागल है बाटसो, झूठा राम बहुत अच्छो बेटा। अच्छा हाँ कमा के खावे बहुत बढ़िया। अच्छा 500 रुपया रोज लावे बेलदारी पे जाए, बेलदारी पे 500 रुपये रोज, इतनी जान है वहाँ में 7वीं मंजिल पर परात पहुँचा दिया है मसाले किए। अच्छा मशीन की जरूरत ना पड़े लेंटर गिरने का है। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात ना बेटा। तो तुम है ना झूठा राम ते ब्याह करनी हो। ठीक है मैं सोचती हूँ फिर। ठीक है तो बेटा ठीक है, फिर मैं जाऊँ, मैं कहा समझू पक्की बात जी, एक थोड़ा सा मुझे सोचने के लिए टाइम तो दीजिए। ठीक है पक्की बात है ना बेटा। ठीक है राम राम अम्मा। राम राम बेटा, राम राम बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ए मैं तो बेटा ऐसी चले आ घूमता हो बेटे, कोरी जनानी सी गई का ये बाल, पता नहीं कोई गांव से आई थी। गांव से आई का कोई बात बतरा रही? हाँ बोल तो रही थी कि शादी ये कोई लड़के, क्यों क्या हो गया? शादी? हाँ जी। कौन या बुढ़ापे में करेगी? अरे नहीं नहीं और उनके लिए नहीं, वो मेरे लिए रिश्ता बता रही थी। तेरा लैया जी हमका मर गए जो बताई बतावेगी। क्या आपको शर्म नहीं आ रही? आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपसे शादी करूंगी? अरे बेटा तू गलत समझ गई, मैं वह बात है कह रहा हूँ, ये बुढ़िया बुढ़िया तो ही करवाएगी, हमारा काम वही। ते बाप की उम्र का हूँ मैं। हाँ मैं तभी तो ये सोच रही हूँ कि आप बोल क्या रहे हैं। बोल ये रहे हूँ कि हम देखेंगे छोरा कोई। अच्छा आप देखेंगे? हाँ कोई बढ़िया सा पढ़े लिखे संस्कारी बालक देखेंगे बेटा। ओके हाँ ये पर तेरी जो माता अब तो तू पढ़ रही होगी बेटा है? हाँ अभी तो मेरी जॉब चल रही है, वैसे पढ़ाई तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जॉब कर रहा है? जी क्यों क्या हो गया? ना सही है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो अपने आप कमाए खा रहे हैं, अपने आदमी का कोई भरोसा ही ना है ना है। आज के टाइम में सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। का बोली? मतलब अपनी ऊपर जिम्मेवारियां अच्छी होती हैं। हाँ जिम्मेदारियां ये बहुत बढ़िया शब्द देती है बेटा। अच्छा तो छोरा तो पढ़े लिखे ही चाहिए तो है? बिल्कुल पढ़ाई लिखा ही चाहिए। वो तो मैं ससुर का हूँ। अच्छा क्या क्या बोल रहे हैं आप? ना एक छोरा बहुत मेरी निगाह में इतना अच्छा है, बहुत संस्कारी है, बिल्कुल तेरे गुण और वाके को 36 मिल रहे मान ले बेटा। आपने कुंडली भी मिलवा ली? अरे मैं खुद पंडित हूँ। सच में? हाँ नाम बता तेरा कहा है? जी मेरा नाम अंगूठी है। अंगूठी? जी अंगूठी तो नहीं सेटिंग को नाम है। क्या? ना 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 मैं वहा कचुना है। हाँ कहा नाम है? अंगूठी जी। अच्छा अड़ी बड़ी जुड़ी कड़ी पड़ी मरी दामो डा डड़ी बड़ी मड़ी नड़ी टड़ी हाँ 25 और 3 38 36 मिल रहे बेटा 36। क्या 36 मिल रहे? 36 गुण पूरे तुम्हारे, 36 गुण मिल रहे हैं। नाम आप पता कहाँ है? नाम बेटा वापो दामो। ओके दामो नाम है? दामो चाचा। दामो चाचा? हाँ दामो चाचा है अपना। अच्छा चाचा मतलब दामो चाचा लगा हुआ है वो पीछे। अच्छा दामो चाचा लगा और तू मेरी बात पे गौर दियो और मैं तो ये कहूँ मैं उनसे मिल चुकी हूँ। दामो चाचा थे? हाँ जी। तू कब मिल ली? बस मिल ली थी। कब? जब मैं रास्ते में आ रही थी। रास्ते में? जी वो तो अमेरिका रही है। अमेरिका? हाँ अमेरिका रे। अबे आयो ना वहाँ तो 3 साल है गई मगर आए। ओ आई थिंक तब औरतें मिल रही हुई बेटा तू। हो सकता है। हाँ आपने मेरे 36 गुण मिलाए तो फिर आई एम एक्साइटेड, मैं चाहती हूँ कि उस लड़के से मैं कब मिलूँ। हैं जी पक्की बात है? जी आप मुझे मिल गए तो बेटा तू कल शाम को आ जा। आज शाम को? आज फ्लाइट पे आ रहा हूँ। वो मेरे वहाँ नौरे पा दीजिए बेटा। ये तो मैंने नहीं देखा। मेरा नौरा देखो धनीताओं को नाम पूछ लियो और आ जाइए वहीं खाट पे। मैं पेड़ के नीचे बैठे रहूँ आराम से अपने चौपिन ढोरे। चलिए तो शाम को पक्का है ना? शाम को पक्का। फ्लाइट पे आ रहा हूँ अभी आ जाओ वहाँ। आज 4 बजे फ्लाइट है तो आप आना 6 बजे। 6 बजे ठीक है मैं पक्का 6 बजे। तो मैं डन समझूं? हाँ जी बिल्कुल। देखो ऐसा होगा मैंने गांव के अंदर कह रहा है रसगुल्ला खवाने हैं, दावत खवानी है, मेरी ये दायित्व बनता है कि कोई आदमी है बगैर दावत के ना रहना चाहिए जो सगाई करवा पे। अच्छा हाँ तो या ले तुम है कहा बहुत सुंदर हो या की वजह से मैंने कही ऐसा ही लड़का होना चाहिए। अच्छा
जैसे लड़की है ऐसे लड़का होना चाहिए। चलिए, ये आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आपका धन्यवाद, और मैं शाम को आपसे मिलती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, धन्यवाद। राम 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 बेटा, राम राम बेटा। यार लड़का तो अच्छा बता रहे हैं, अमेरिकन, वाओ। छोरा ये सुसर के खाट हुआ जाने कहाँ ले गो, कहाँ कर दे खाट, खाट को कहाँ करो, आजकल कुर्सी बैठो। अरे मैं काम ना कर कहा तेरा जुगाड़ रहा बैठा है, आप ये सुसर के करे आए खाट लेगा पहले, मैं यहाँ पे ना बैठ जाऊँ, लाओ जाता है। अरे वो बैठो ना, जाओ यहाँ पे, अरे जल्दी उठो, ये मैं सुसर के बैठ गो खाट ले गया मैं खाट। हाँ अब सही है, अब बैठ ले, अब बताऊंगा तू मेरे। अरे ये सुसर को मारे कैसे, तेरी ऐसी तैसी मारू। मैंने बात नहीं कही, अब मेरे खाते आ रहा हो, वो यहाँ रही ना है, आई समझ में। अब बोल रहा का तू, हाँ बोलू। हाँ अच्छा अमेर, हाँ ए बाबा इतनी लंबी फेंके आयो। अरे और का ससुर के वो जब हाँ ना करे, मिल गई मुझे, तू तो मेरे ससुर के मेरी। गोल गोल घुमा, अब कैसे घुमा को। हाँ सही कह रहा है, घुमा दूंगा, कोई देखता ना, देखो मरवा दे, कोई ना देखो। हाँ क्या कह रही, जुगाड़ बैठ गो, छः बजे आ रही है तेरी, ऐसी कैसी मारू। अबे होयो कछु हतना तू ससुर के, ए बाबा ये वाला कुर्ता पजामा सुमंग नहीं, कुर्ता पजामा नहीं, ये चश्मा। ठीक है था, ठीक है जुगाड़ बटा भी मेरी बारे में, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा चश्मा फसवा लगा के आगो। हाँ मैं बुलाऊंगा जब आइयो। अच्छा फोन कर दीजो। हाँ मैं छः बजे आए भाई, जाती हूँ छः बजे, करेक्ट, जल्दी जा कहूँ, आ जा ससुर के, पाप है मत, वी आई पी बन के ससुर के। वल्ला हबीबी मोहतरमा तुम किधर जाती, आप कौन है वैसे भाई दबे? हम दुबई से तुम्हारे वास्ते आती। दुबई से? शेख बाबा दुबई से और इंडिया में? बिल्कुल तुम्हारे वास्ते आती। आई कांट बिलीव दिस, तुम हमको बहुत अच्छा लगती, तुम्हारी शादी का बहुत दूर दूर तक बात चलती, तुम्हारे घर एक बुढ़िया आती शादी के लिए, क्या एक बाबा आती। आपको कैसे पता ये सब? हम अंतर्यामी बच्चा, सच में तुम जानती नहीं हमको, हम शेख बाबा। अरे बाबा जी आपको ऐसे कैसे पता चला? हमको सब पता चल जाती, हमारा खोपड़ी शैतान दिमाग बन जाती। तो बाबा जी बताइए ना फिर मेरे लिए कुछ और बताइए, अगर आप मेरे लिए इतनी दूर से हैं तो। तुम्हारा जिंदगी का सारा परेशानी दूर कर देती हम, अगर तुम हमारी बात मान जाती। बिल्कुल बताइए ना प्लीज, जल्दी बताइए, ध्यान से सुनो। बताइए। इधर झूठा राम होती इंडिया में? झूठा राम? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। वो बहुत अच्छा लड़का, नेक लड़का होती, सच में बहुत ईमानदार बच्चा होती। अरे उससे तुम शादी रचाती, अंबानी की बीवी के जैसा मजा लेती। अरे तो बस शादी समझो हो गई, हो गई शादी, हो जाती जी। बाबा की बात को मानती तो तुम्हारा साथ जन्म उसके साथ बहुत अच्छा आसानी से कट जाती। अरे तो प्लीज जो भी करवाना है ना जल्दी करवाइए, सच में आप तो अंतर्यामी है। तो फिर आपने आप तो सारी चीजें ऐसे बताई है एकदम करेक्ट। झूठा राम अगली बार जब मिलती सीधा कुछ बात नहीं करती, उसके गले में माला डालती। बिल्कुल, जब झूठा राम आएंगे तभी तो माला डालूंगी ना। बिल्कुल आती, एक घंटे में आती वरना दो घंटे में आती, ये बाबा की बात दिमाग में रखती, माला तैयार कर लेती और आते ही फौरन डाल देती। बिल्कुल बाबा जी जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हारा शादी हो जाती, फिर 9 महीने बाद बच्चा हो जाती, जिंदगी सुकून से कट जाती। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, झूठा राम शेख बाबा, बट मैं खुश बहुत हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रही है? राम राम बाबा जी। राम राम, राम राम तेरा सुहाग बने हो रे। बाबा जी अभी मेरी शादी नहीं हुई है। शादी ना हुई जी? अभी होगी, है जाएगी शादी जी। अब कहाँ जा रही है बेटा? जा रही थी किसी से मिलना है मुझे। किसी से मिलना? अच्छा जी। बेटा वाई थे मिलना है तो? आपको कैसे पता? अरे मैं सब जानू, मैं इंडियन बाबा ना हूँ, तुम हाँ। विदेशी बाबा थे मिली हो ना। आपको ये कैसे पता चला? मैं सब जानू, आजकल मैं कंदरा में तपस्या कर रहा हूँ पूरी। सच में? सच में ही कहा है बेटा, तेरा जो मान ले तेरे जो नसीब में उथल पुथल चल रही है, गुप्त तो है विदेशी हो ना, विदेशी ठग दुनिया भर को गुप्त तो भेका लगे। लेकिन उन्होंने तो सारी बातें एग्जैक्ट क्लियर। हाँ 9 महीना में बच्चा करवा गए। हाँ बट आपको कैसे पता?
अरे बड़ा ठग है वो, मैं जानू हूँ तो देख रहा हूँ मैं। अरे तो बाबा जी आप बताओ ना फिर मेरे लिए कुछ। मैं गुफा में तपस्या करता करता देख रहा हूँ सारे संसार है। सच में? हाँ। आप तो अंतर्यामी है, प्लीज मेरे लिए कुछ बताओ ना फिर। बताऊं? जी। गुता 9 महीना में करागा झूठा राम बच्चा। हाँ। और दामो है ना छोरा का नाम। दामो? हाँ दामो चाचा वा छोरा तक है। जी जी हाँ। को 7 महीने में करवा दे। क्या? हाँ? 7 महीने में? हाँ। अरे बेटा तू ऐसी कैसे घबरा रही है? 7 महीने में? तेरे कल्याण हो जाएंगे। बाबा सो स्वीट, आप बहुत अच्छे हो, आपको ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगी? अरे अब उतर जाएगा तो उतारेगी तो। सच में थैंक यू सो मच। अरे ये दामो तू इतना बड़ा फ्रॉड, मतलब इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे मेरे साथ। अरे इतना बड़ा हाँ? अरे सुना सही, सुना सही। क्या सुनू? नहीं सुनू क्या? नहीं सुनू क्या? सुनू क्या? नहीं सुना। गुम हो तो ज्यादा फ्रॉडी है क्या? हाँ तुम्हारा ढंग पुआखरी बन क्या है, विदेशी बाबा बन क्या, मतलब सब एक ही थाली के चट्टे भट्टे हो, सब ने मुझे धोखे में मार काट रही है सब। अब करूंगी मैं शादी है ना, कर ले कर ले, मतलब आदत से मजबूर, आदत से मजबूर। बिल्कुल भी शर्म नहीं आई बिल्कुल भी ये सब करने में। और उस झूठा राम को भी मैं देख लूंगी अभी जाकर। बताओ जब शर्म ना आई तो 9 महीने कही छेतर लगी 7 महीना में। अच्छा शर्म नहीं आ रही ना एक लड़की को ऐसे परेशान कर रहे हो, ढोंगी बन बन कर ऐसे कौन विश्वास करेगा, इतना ज्यादा तुम लोग वो विश्वास कर रहे हो। यूं कह रहा हूँ जब ही तो तुम्हारा दिल है जीता।